हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल राइड फॉर गाइड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बाइक ली थी बजाज एवेंजर स्ट्रीट 2017 मॉडल BS4। इसको लिए हुए आज पूरे 100 दिन हो गए हैं, तो आज मैंने सोचा इसका एक रिव्यू बना दूं। तो दोस्तों, ये बाइक पड़ी थी मुझको 1 लाख लगभग 3000 से 4000 के आसपास, और 2017 मॉडल है BS4। और मैं इसके एडवांटेज आपको बताना चाहूँगा इस बाइक की। मैंने इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा टूरिंग करी है अब तक, और इस बाइक की जो सबसे इसका बेस्ट पार्ट है इसका फ्यूल टैंक। 14 लीटर का फ्यूल टैंक है जो इसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में कैपेबल बनाता है। और सेकेंड पॉइंट है इसका जो सीटिंग पोस्चर। इसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो इसको लॉन्ग राइड में बहुत ज़्यादा राइडर को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मैं इससे तकरीबन 100-150 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलता हूँ, और इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छा है, और 220 सीसी का इंजन और 18.76 BHP का पावर। दोस्तों, इस बाइक का थोड़ा एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो रियर शॉकर है, रियर सस्पेंशन है, वो थोड़ा सा मुझको स्टिफ लगता है। अब मेरे ख्याल से जो 2018 का जो मॉडल है बजाज एवेंजर स्ट्रीट, इसमें इन्होंने थोड़ा सा अपडेट करा है। और खासियत ये है कि इसका इंजन जो है ऑयल कूल्ड है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल है। आइए दोस्तों, इसके कुछ और फीचर्स पर नज़र डालते हैं। जो 2018 का जो मॉडल है बजाज एवेंजर स्ट्रीट, उसमें इन्होंने कुछ अपडेट करे हैं। जैसे इसमें ये ग्राफिक चेंज करा है, बैकरेस्ट है, इसमें कुशन दिया है इन्होंने, और इन्होंने टेल लाइट भी थोड़ी इम्प्रूव करी है, और नंबर प्लेट के ऊपर भी लाइट एड ऑन करी है। इसको हेडलाइट को उन्होंने चेंज कराया, इसमें नीचे एक LED लाइट भी है, और स्पीडोमीटर पूरी तरह डिजिटल है। ये इसमें जो स्पीडोमीटर है एनालॉग प्लस डिजिटल है, लेकिन जो अब जो बजाज एवेंजर स्ट्रीट आ रही है 2018 मॉडल, उसमें पूरी तरह इसको डिजिटल कर दिया इन्होंने। दोस्तों, अपनी मैंने बजाज एवेंजर स्ट्रीट में कुछ मॉडिफिकेशन भी करे हैं, जैसे कि आपको ये मॉडिफिकेशन दिख रहा होगा। सबसे पहला ये लाइट है, फॉग लाइट है, ये U5 है, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। एक मोबाइल चार्जर अटैच करा है। चलिए दोस्तों, साइन ऑफ करता हूँ और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।